पंच की नोक पर युवती से गैंगरेप, पुलिस ने नहीं किया मुकदमा दर्ज, पीड़ित ने थाने का किया घेराव, लगाई न्याय की गुहार। यूपी के रामपुर में तमंची की नोक पर गैंगरेप करने की वारदात सामने आई है। ये वारदात रामपुर के थाना शहजाद नगर की है, जहां पर पीड़िता के माँ बाप के मुताबिक बीती रात को तीन लोगों ने आकर तमंची की नोक पर उनकी 20 वर्षीय बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में थाना शहजाद नगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, पुलिस को मामला संदिग्ध लग रहा है। वहीं गैंगरेप की वारदात से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर आला अधिकारी घटनास्थल पर गए और आसपास के लोगों से पूछताछ की और वारदात की हकीकत की जानकारी ले रहे हैं। नाम है अम्मा? मेरा नाम सूरजवती है। कहाँ रहती हो? गुड़पुर। अच्छा, यहाँ भट्टे पे क्या मामला हुआ आपकी लड़की के साथ में? आराम से रोटी खाई बना के 8-9 बजे की बात है, तीन आदमी आए। अच्छा, लड़की के पापा की तुम्हारे की हाथ बांधे, पैर बांधे और फिर तुम्हारे की इसके लड़की के उनके मुंह पर लिहाफ डाल दिया। इस करीना से लिहाफ डालने के उपरांत फिर लड़की के संग में दिशा बुरी करी, बेइज्जती करी। अच्छा, बेइज्जती करी। फिर तुम्हारे की लड़की ना बहुत ही जो है बचाओ बचाओ, मगर उसने उसके पापा के कान पर चमंचा रख दिया, गले पे वो रख दी, तलवार रख दी उनने। कितने लोग थे? दो ही बाप बेटी थे मड़ैया में। वो लोग कितने थे? वो लोग कितने? बस तीन लोग है, तीन लोग है। तो यहाँ पर थाने में आई है क्या? यहाँ पर FIR हो गई आपकी? तो फिर कह रहे कि इनके थोड़ा फोन करो। अच्छा, तो ये रात में कोई भी नहीं आओ, भट्टा मालिक को बताओ तुम्हारे सहारे ना आए तो किनके सहारे से आए हम? मजबूरी में आ रहे हैं, मजदूर आदमी मजदूरी काम करने के धी बटी सब कहे। देखो मेरे तो मैं तुमसे कहा बताऊं, इतनी जो ना करनी सही ना रहता। मैं बताऊं बात किसी के आप क्या बात? अब क्या हुआ है? आप पुलिस आप यहाँ कोतवाली आई हैं, आपको थाने में आई हैं, अब क्या हुआ है? आज 5-6 घंटे है, कोई सुनवाई कहाँ है रही है? क्या कहना है पुलिस वाले, क्या कहना है? पुलिस क्या कह रही है आपसे? देखिए देखिए बताइए, क्या क्या चाह रही हो? नो कह रहे हैं आगे 10 दिन रुकेंगे, लड़की को रोकेंगे और लड़की के बाप को रोकेंगे। तो बताओ मेरे छोट छोट के बच्ची है, यही कमाना कमाना वा रहे हैं तो यही हारेंगे। और बताओ एक आध बच्ची और होती तो सही, मेरे यही बच्ची है। लड़का नहीं है आपका? छोट छोट की बच्ची है अभी मेरे। तो आप क्या चाहती हैं? अब यहाँ आई आप क्या चाहती हैं? हम घर जा रहे हैं, फिर क्या करें? तो आपकी FIR नहीं लिखाई गई है? मेरा नाम महेंद्र। कहाँ रहते हैं? बूढ़पुर। अच्छा, क्या मामला है यहाँ थाना शहजाद नगर में? हमारा मामला ये है साहब, तीन लोग आए थे, हम अथेर करने आए हैं यहाँ पर। अच्छा, नीटे पास में। अच्छा, कहाँ से? बूढ़पुर से। हमारे साहब तीन लोग आए, उन्होंने ईंटें बचाई थी, ईंटें नीचे पर जाने के उपरांत हम तो जो है हमने देखा तो इनको जो है हम उठ के बैठे, उठ के बैठने के बाद हमारे ऊपर जो है सवार हो गए। सवार होने के बाद हमारा हाथ पैर बांधे थे, हाथ बांध के और मुझसे बोले अरे वो लगा तो खाले हाथ पैर तोड़ देंगे, खाले जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। तमंचा उनके हाथ में थे। अच्छा, सीने पर रख दे, सीने पर रख देने के बाद में हमारी लड़की के सामने था बेइज्जती करी। अच्छा, मालिक ने रिपोर्ट करना बंद है? और मालिक ने साहब रिपोर्ट तक नहीं होने दी, जब बेइज्जती करी हमारी, बेइज्जती करने के बाद में चले गए। और वो एक आदमी खड़ा रहा, बोला साले वो लगा गोली मार देंगे, हाथ पे हाथ बांध के चले गए और लड़की के हाथ में बेइज्जती करके चले गए। वो तीनों लोगों ने बेइज्जती करी। पहचान लिया है आपने? हमने कोई नहीं पहचाना साहब, हम तो मजदूरी करने आए, हमें क्या पता कौन आदमी कहाँ का है। तो फिर जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर मालिक से नहीं कहा? मालिक से कहा साहब, हमने तो रात हमारे लिए आने नहीं दिया, आने के लिए हम आ रहे थे। मालिक कौन है? मालिक फर्जीमान। कहाँ, कौन से भट्टे पर काम करते हैं? तुमड़िया। तुमड़िया में। तो यहाँ पर थाना शहजाद नगर में FIR लिख गई आपकी? अभी लिखी नहीं गई। कहते क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि साहब हमारा जो हम यहाँ से बस हमारा ध्यान रखना, हम तो अपने घर पे जाएंगे, हमारा ध्यान रखो, हम इस पर काम नहीं करेंगे। नहीं, हम कहाँ से देंगे, हम अपनी ऐसी बेइज्जती थोड़ी करा दे रहे हैं। उसके बाप के सामने तमंचे के बल पर जो है गैंगरेप का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला? ये थाना शहजाद नगर पे ये शिकायत
अभी से थोड़ी देर पहले मिली थी प्रातःकाल। एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ आकर ये शिकायत की थी। तत्काल पुलिस मौके पर गई कि ये एक भट्टे का मामला है, और अभी जब उनसे फिर पूछताछ की गई तो बेटी और बाप दोनों ने जैसा बताया महिला सब इंस्पेक्टर जो हमारी पूछताछ कर रही थी उसको, मेरे सामने भी उन्होंने ये बात स्वीकार की कि भट्टे पे 10 दिन से काम के लिए वो आए थे लेकिन मौसम खराब होने के नाते काम नहीं हो पा रहा था। 4,000 रुपये उन्हें मालिक से खर्चे के लिए भी अलग से 2,000 करके 2 बार में लेने पड़े, और पहले जो उन्होंने ले रखा था पैसा उसके एवज में कोई काम भी नहीं हो रहा था, वो घर जाना चाहते। ठेकेदार जो इनको ले आया था वो ठेकेदार चाहता था कि मौसम 1-2 दिन में खुल जाएगा तो काम करो, तुम्हें यहाँ रहने के लिए जो खाने पीने के लिए चाहिए वो मैं दे ही रहा। लेकिन इनको किसी ने राय दिया कि या तो तुम कोर्ट चले जाओ या थाने में जा करके इस तरह के शिकायत कर दो तो वो ठेकेदार स्वयं छोड़ देगा या मालिक आके तुम्हें छोड़वा देगा। इस बात पे इनका कहना यह है कि और भी हमारे जो साथी लेबर थे उन्होंने भी ये कहा कि नहीं ये बात तो बहुत अच्छी है, हम आए और हमने ऐसी शिकायत कर दी थाने पर। अब जब उनसे ये पूछा गया तो उनका कहना है हमारा उद्देश्य केवल ये है कि इस समय हम घर जाना चाहते हैं तो हम घर जाएं चूंकि हमारा काम नहीं, जब काम शुरू हो जाएगा मौसम ठीक हो जाएगा तो हम आएंगे, जैसे हम काम करते रहे हैं वैसे हम काम करेंगे। और ये बता रहे हैं कि हाँ इस भट्टे पे इस ठेकेदार के साथ वो 3-4 वर्षों से काम कर रहे हैं, ये 4th वर्ष है इस सीजन में जब वो आए थे इस ठेकेदार के साथ, और इसी के साथ लगातार